शरीर चलो रे मन गंगा यमुना तीर चलो रे मन हे कुंडल झलकत ही चुना सुहावे भव सा माया सब चरणन की भव माया सब चरणन की लगन गुरु चरणन की मोह लागी 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 लगन गुरु चरणन की भव सागर अब
संसार दावा नलली ढलो का त्राणय कारुण्य घना प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर मौक्तिकं करदले वेणु करे सर्वांगे हरि चंदनं सुललितं कंठे च मुग्धा वली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपाल चूडामणि फुल्लेंदी वरकांत बिंदु बदनम वरहा वतं सप्रियं श्रीवत् संगमदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनु गोगोपसंघाव्रतं गोविंदं कलवेणु वादनपरं दिव्यांगभूषं भजे दिव्यांगभूषं भजे नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं स परिपिच्छलसन मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुः लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावदीर्णकलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्युतिगदंब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वश्यची नंदन आजानुलंबित भुजो कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ राधेश्याम 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 राधेश्याम
राधेश्याम गोविंदा मुकुंदा बेठला राधेश्याम 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 गोविंदा मुकुंदा बेठला राधेश्याम 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 Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe
ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ
हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। समस्त भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमद् भगवद गीता का आज तीसरा सत्र है। तीन सत्रों में केवल परिचयात्मक हो सकता है, बहुत बड़ी व्याख्याएं तो संभव नहीं है। एक सिद्धांत है, संसार की सबसे कठिन चीजें, सबसे क्लिष्ट सिद्धांत सबसे सरल भाषा में कही गई, और संसार के सबसे सरल सिद्धांत सबसे कठिन भाषा में कहे गए। गीता की भाषा बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति सरलता से गीता की भाषा को समझ सकता है। संस्कृत का जो स्वरूप देखना है, संस्कृत की सरलता देखनी है, तो गीता में देखिए। गीता में अत्यंत सरल भाषा में बात कही गई है। जिन चीजों को हम बहुत कठिन प्रस्तुत करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारे पास में कुछ कहने को नहीं होता है। लेकिन जब हमारे पास कहने को बहुत ज्यादा होता है, तो बात बड़ी सरल भाषा में और संक्षेप में कही जाती है। तो कल मैंने आपको बताया था, जैसा कि भगवान के ने जो अर्जुन को बताया है, वो हमारे जीवन की प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। और जैसा लगता है हमको कि भगवान ने युद्ध के लिए कहा होगा, वो बात भी नहीं है। भगवान युद्ध के लिए नहीं कहते, उनका तो ये कहना है कि बस तुम जिस किसी स्थिति में हो वो कार्य पूरा करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज द प्रेजेंट टाइम। गीता में वर्तमान बाद है, जो कुछ बीत चुका है उसके बारे में सोचना क्या, क्योंकि उसको तुम बदल नहीं सकते। जो बीत चुका तो बीत चुका, और जो कुछ आने वाला है उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। अब जो कुछ निश्चित है वो ये कि सामने क्या है। मैं इस समय पर आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूं, आप लोग मेरे सामने बैठे हो, मुझे गीता के बारे में कुछ बताना है और आपको गीता के बारे में सुनना है। ये इस समय का जो कार्य है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट वी हैव टू डू। यदि हमने इस कार्य को अच्छा कर लिया, वर्तमान समय को हमने बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह कर लिया, तो हमारा भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि हम वर्तमान को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हमारा भविष्य भी डामाडोल है। हमने देखा है कि जो हम वर्तमान में जो निर्णय ले लेते हैं, भविष्य में वही जन्म लेते हैं। और जिन चीजों को हमने वर्तमान में छोड़ दिया, जिन चीजों के बारे में हमने प्रमाद किया, लापरवाही की, वही चीजें हमारे लिए आने वाले समय में पश्चाताप का कारण बनी। और हमने सोचा कि अरे समय रहते मैंने यदि वो काम कर लिया होता ना तो कितना अच्छा होता। तो भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय यदि कोई है तो वर्तमान समय है। प्रेजेंट टाइम इज द मोस्ट
important time. We have to take care of this time. The time which has passed is past. It cannot be revived again. And the time which has not come, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. हम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं, भविष्य की बातें सोचते रहते हैं. तो जो हमारी कल्पनाएं हैं वो भविष्यमयी होती हैं, और हम इतना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये कभी कभी तो हमारे जितना वर्तमान है वो भी बर्बाद हो जाता है केवल भविष्य के बारे में सोच करके. और भविष्य के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था, ये दो चीजें हैं भविष्य की, एक तो है होप और एक है फियर. ये दोनों ही भविष्य की चीजें हैं. फियर कभी प्रेजेंट नहीं होता, फियर भी भविष्य का होता है और होप भी भविष्य की होती है. बस अंतर कितना है, होप है पॉजिटिव के लिए और फियर है नेगेटिव के लिए. होप क्या है, ऐसा ऐसा हो जाए, और फियर क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए. ऐसा हो जाए ये तो आशा है, और ऐसा न हो जाए कहीं ये हमारा फियर है. तो दोनों में ही हमने भविष्य को ही सोच रखा है. तो इसका मतलब यह हुआ कि होप और फियर जब भविष्य का है, भगवान ने कहा ये होप और फियर दोनों मुझे दे दो. मैंने कल आपको अंत में बताया था कि भगवान के साथ में हमें अपनी ये दो पुत्रियों का विवाह कर देना चाहिए. दो बेटियां हैं हमारी. वो कौन कौन सी दो बेटियां हैं, एक का नाम है होप और एक का नाम है फियर. वी हैव नॉट टू होप. यू नो जितना हम भविष्य, जितना हम आशा करते हैं उतना ही दुखी होते हैं. आप बताइए, एक आप लोगों में से भी लोग जानते होंगे जो एक बालक परीक्षा देकर के आता है, अपना एग्जाम देकर के आया, और उससे पूछो भाई कैसा पेपर हुआ. यदि वो कहता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, या तो ये कहेगा और या ये कहेगा कि आज मेरा पेपर बहुत खराब हो गया, अच्छा नहीं हुआ. मैं समझता हूं कि दोनों ही तरह के विद्यार्थी बहुत अच्छे नहीं हैं. यदि सही विद्यार्थी होगा तो वो क्या बोलेगा बताइए, जो परीक्षा देकर आएगा. न ये कहेगा कि मैंने मेरा बहुत खराब हो गया, न वो ये कहेगा कि मेरा बहुत अच्छा हो गया. वो ये कहेगा कि जो कुछ मुझे आया वो मैं लिख आया हूं, अब मुझे नहीं मालूम कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ. हाउ यू कैन डिसाइड, एग्जामिनी कैन नेवर बी द एग्जामिनर. एग्जामिनी जब एग्जामिनर बन जाता है तभी गड़बड़ होता है. परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर के आया है, यदि वो ये कहता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, इसके मतलब है कि ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज राइट. उसका अधिकार ही नहीं है, न उसके पास में इतनी शक्ति है कि वो ये बता सके कि उसने जो कुछ लिखा है वो सही है या गलत है. और यदि वो ये कहता है कि मेरा पेपर बहुत खराब हुआ तो भी गलत कहता है, इसके मतलब यहां पर भी वो स्वयं ही जज हो गया, स्वयं ही निर्णय करने वाला हो गया. तो निर्णय करने वाला तो दूसरा है ना, उसको क्या कहना चाहिए, उसको तो ये कहना चाहिए कि मुझे जो कुछ आता था, मुझे जो समझ में आया सही वो मैं कर आया हूं, अब देखना है लेट मी सी क्या होता है. अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा होगा तो ठीक है, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वो मैंने कर दिया. एक बात और बताऊं मैं आपको, जब हम कोई काम करते हैं तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी ये कैसे पता लगे हैं? पहले से पता लग सकता है क्या? जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए गए ही नहीं आप,
अभी एग्जामिनेशन होने में 10 दिन है, आप तैयारी कर रहे हैं अपनी, राइट? और आप तैयारी करने के समय पर क्या आपको पता लग सकता है कि आई एम गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स, पता लग जाएगा। बताऊं आपको क्या तरीका है? यदि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, आनंद आ रहा है, समझ लो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिजल्ट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एट द वर्क इज। व्हेन द वर्क गिव्स यू प्लेजर, इट मींस द रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। इफ द वर्क इज बोरिंग फॉर यू, इफ यू आर गेटिंग टीडियस इन डूइंग ए वर्क, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी गुड रिजल्ट। तो रिजल्ट तो मिल गया पहले ही, रिजल्ट तो हमें उसी समय मिल जाता है जब हम कोई काम करते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें जो मजा आता है वो मजा ही हमारा सबसे बड़ा रिजल्ट है। और शायद भगवान यही बताना चाहते हैं कि जो कर्म में आनंद है उस आनंद को लेने की कोशिश करो, जो परिणाम में आनंद है उसको लेने की चिंता मत करो। परिणाम का जो आनंद है वो भविष्यात्मक है, फ्यूचर बेस्ड है, लेकिन जो कार्य का आनंद है वो वर्तमान में है। और हर व्यक्ति जो अपने कार्य को एंजॉय करता है, द पर्सन हु एंजॉयज हिज वर्क गेट्स सक्सेस, एंड द पर्सन हु डज नॉट एंजॉय हिज वर्क कैन नॉट गेट एनी सक्सेस। तो विद्यार्थी की पता लगाना हो आपको, जो बच्चा पढ़ने में बहुत मजा आता हो, जिसको बहुत मजा आता हो, वो कहता हो लाइए मैं ये भी ये वाला और क्वेश्चन करता हूं, ये भी क्वेश्चन करूंगा, मुझे ये क्वेश्चन और अच्छा लग रहा है, इसको भी मैं करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। उसको पढ़ने में, उसको मदर उसकी कहती है कि तुम बंद करो ये पढ़ाई, तुम बहुत जब देखो तब पढ़ते रहते हो। तुम इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि ही इज अफ्रेड ऑफ हिज एग्जामिनेशन, इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि ही वॉन्ट्स टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। क्यों पढ़ रहा है वो? और उसकी मदर कहती है बंद करो, क्यों पढ़ते रहते हो, जब देखो तब पढ़ने लगते हो तुम। बिकॉज ही एंजॉयज इट। और जो बच्चा एंजॉय करता है अपनी पढ़ाई को, निश्चित मानिए कि ही मे टॉप द लिस्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्षण है सफलता का। सफलता पता लग जाएगा आपको पहले से ही कि ये व्यक्ति सफल होने वाला है या नहीं है। जो बच्चा जो है, जो अब पेरेंट्स कह रहे हैं अरे तू पढ़ता नहीं है और वो कुछ और कर रहा है, उसे मजा नहीं आता है, जब वो पढ़ने बैठता है तो फिर थोड़ी देर तक पढ़ता है, फिर वो बंद कर दे, किताब रख देता है, फिर कुछ और करने लगता है, इसके मतलब है कि उसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। एंड हियर लाइज द आंसर टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ। हमारी जिंदगी की बहुत सी समस्याएं केवल इसी सिद्धांत में छिपी हुई हैं। आप बच्चे को कभी भी वो काम मत कहो, आप बच्चे को कभी भी ड्रजरी के लिए कभी भी उप्रोत्साहित मत करो, कभी उससे मत कहो कि तुम पढ़ो, जो चीज में मजा नहीं आ रहा है उसको जबरदस्ती इंपोज क्यों कर रहे हो। एक्चुअली वी इंपोज अवर डिजायर्स ऑन अवर चिल्ड्रन, हम अपनी इच्छाओं को बच्चों पर लादते हैं, और बच्चों को हम वर्क ओरिएंटेड न बना करके रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड बनना ही सबसे बड़ी असफलता है जिंदगी की। गीता कहती है वर्क ओरिएंटेड बनो, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो। और इसके बाद भी आपको समझ में ना आए, आप लोग हम लोग बोल क्या बोलते रहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम बस एग्जामिनेशन दे आओ, रिजल्ट तो किसी और को मिल जाएगा जा करके। हम लोग प्रायः ऐसा समझ लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म करने का, भाई तुम काम करते रहो तुम्हें इससे क्या मतलब, काम करो तनख्वाह मिले ना मिले इसकी कोई चिंता मत करना। तुमको सैलरी मिलती है
कितनी मिलती है, नहीं मिलती है, नेवर बॉदर, जस्ट डू योर वर्क, वर्क करते रहो, ऐसा नहीं कहा है। हम इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं गीता के इस श्लोक को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब यह है कि कर्म को ही इंजॉय करो, कर्म को यदि तुमने इंजॉय कर लिया तो फिर तुम्हें इस बात की चिंता ही नहीं होगी कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। और हर अच्छा बच्चा कभी भी अपनी माँ से ये नहीं कहता है कि आज मेरा पेपर खराब हो गया, न वो ये कहता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। हर बच्चा जो बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को इंजॉय करता है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, ही जस्ट एंजॉयज इट, ही जस्ट एंजॉयज हिज स्टडीज, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने जिंदगी में देखा होगा जिन चीजों में आपको बहुत मजा आया उन चीजों में आपको सक्सेस मिली थी, लेकिन जिन चीजों में आपको मजा नहीं आया उन चीजों में कोई सक्सेस नहीं मिलती। इसे लीव दोस थिंग्स जिसमें मजा नहीं आ रहा है। इसलिए भविष्य तो आपको मालूम है, भविष्य तो आपके हाथ में, भविष्य वर्तमान में छिपा हुआ है। फ्यूचर इज द सम ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टाइम है उसका बेटा है भविष्य। तो सीधी बात है कि पहले प्रेजेंट को संभालो, फ्यूचर तो अपने आप ही संभल जाएगा, उसकी संभालने के लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने जग ले लिया हाथ में, वाटर फिल्ड जग, पानी से भरा हुआ जग ले लीजिए, वर्तमान में आप उसको उल्टा कर दीजिए, क्या होगा, क्या होगा, ऑल द वॉटर विल कम आउट ऑफ द जग। अब मेरा ये आपसे पूछना है कि आपका काम, आपने पानी को उसमें से निकाला नहीं, आपने तो एक वर्तमान वाला काम ये किया कि यू जस्ट डिड इट अपसाइड डाउन, इससे ज्यादा तो आपने कुछ नहीं किया। बाकी बचा काम क्या हुआ, अपने आप हो गया, वो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भविष्य को करने की आवश्यकता नहीं होती है, वर्तमान को करने की आवश्यकता होती है। डू द प्रेजेंट एंड लीव फ्यूचर टू हैपन इट्सेल्फ। फ्यूचर अपने आप होगा, अपने आप काम करेगा, आपको उसकी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो भगवान ने यही कहा कि बस केवल एक काम करना है, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे अजीज हूं, तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई प्रिय नहीं होगा, मेरे से संबंध बनाओ। ये तो मेरे संबंध बनाओगे तो तुम्हें तुम्हारी जो शक्ति है बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे द्वारा गलतियां नहीं होंगी। ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी से कहा, भागवत का ये श्लोक है, एक बार नारद जी ने पूछा कि हे प्रभो, हे पिताजी, ये बताइए कि आप कभी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, गीता पूरी इसी में है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा, आप झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, आपके द्वारा कोई गलत काम होता है या नहीं होता है, आपके मन में कोई गलत विचार आता है या नहीं आता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं न कभी झूठ बोलता हूं, न मेरे मन में कोई गलत विचार आता है, न मैं फिजिकली कोई गलत काम करता हूं। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, हर व्यक्ति से कोई ना कोई अपराध होता है, आपसे क्यों नहीं अपराध होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं केवल हृदय में ईश्वर को धारण करता हूं, अपने मन में ईश्वर को धारण करता हूं, मैं सब पूरी तरीके से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता हूं, बस इसी में मेरा काम चल जाता है। नमे भारती न भारती में मृषोपलक्ष्यते, न भारती में मृषोपलक्ष्यते,
न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वही क्वचिन में मनसो मृषा गति ही नवे नवे नमे ऋषि काणी ब्रजंत्य सत्पथे यनमे हृदयोत्कंठ्यवतो यनमे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। मैंने अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है, इसलिए मेरे द्वारा न तो वाणी से झूठ निकलता है, न मेरी क्रिया में कोई झूठ होता है, न मेरे मन से किसी प्रकार का असत संकल्प होता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि आप अपने मन में कोई गलत माने मन में भगवान को धारण किए रहेंगे तो आपके द्वारा गलत कुछ भी नहीं होगा, यहां तक कि आपकी वाणी से भी कोई गलती नहीं होगी। आप असत्य नहीं बोलेंगे। आप असत्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईश्वर में आपका विश्वास नहीं है। हम अपराध इसलिए करते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। हम ईश्वर को समर्पित नहीं अपने को करते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित कर देंगे तो हमारे द्वारा कोई भी गलत काम होने की संभावना नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि केवल मेरा ध्यान करो, मेरे से संबंध बनाओ। अब भगवान का कैसे ध्यान कर सकते हैं बताइए। एक बात मैं आपको और बताऊं, यू हैव गॉट द रिमोट कंट्रोल ऑफ द होल यूनिवर्स। पूरे संसार का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। आप चाहें तो पूरे संसार को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। कैसे? माइंड से कैसे? कैन यू चेंज द वर्ल्ड? फॉर एग्जाम्पल, देर इज टेररिज्म नाउ इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। कैन यू चेंज इट जस्ट विद द हेल्प ऑफ द माइंड? There are so many problems in the world. Can they be addressed with your mind? कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। श्रीमद भागवत के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। श्रीमद भागवत के उदाहरणों को आप समझें, क्योंकि भागवत जो है दैट इज द एक्सपोजिशन ऑफ द गीता। श्रीमद भागवत जो है वो गीता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पलीफिकेशन है। यदि आप गीता को समझना चाहते हैं तो आपको भागवत को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पलीफिकेशन है। आप लोगों ने ध्रुव की कथा सुनी है कभी? ध्रुव किसके बेटे थे? राजा उत्तानपाद के बेटे थे और उनकी मां का नाम था सुनीति। इतना तो मालूम ही होगा आपको। और इनकी सौतेली मां का नाम था सुरुचि। सुरुचि का बेटा जो था वो उत्तम था। जिस समय पर राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद से उतार दिया था, सुरुचि ने उसकी गोद से हटा दिया था और ये कह दिया था कि जब तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें दोबारा जन्म दें, पुनर्जन्म दें, और जब तुम्हारा जन्म दोबारा होगा ना मेरी कोख से, तब तुम इस गोद के अधिकारी बनोगे। और इसके बाद क्या किया था ध्रुव ने? एक कथा मालूम है आपको? ध्रुव ने नारायण की उपासना की थी। नारायण की उपासना नारद जी ने जैसा बताया था उसके हिसाब से की थी। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया था और जो ध्यान बताया था भगवान नारायण का, उसी नारायण के मेडिटेशन को, उसी नारायण के इमेज को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया था। और उनको अपने हृदय में धारण करके धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी सांस को रोक लिया था। जब उन्होंने अपनी सांस को रोका था तो कहते हैं कि देवताओं की सांस भी रुक गई, तीनों लोकों के लोगों की सांस रुक गई। तो मेरा यह आपसे प्रश्न है कि जब ध्रुव ने सांस रोकी थी तो पूरे विश्व की सांस, तीनों लोगों की सांस कैसे रुक गई? हाउ डिड इट हैपन? कैसे बताएं?
यदि ध्रुव ने सांस रोक ली तो पूरे तीनों लोगों की सांस कैसे रुक गई, पूरे समस्त प्राणियों की, स्थावर जंगम सभी की सांस रुक चुकी थी, ऐसा कैसे हुआ? नारायण के प्रभाव से। वास्तविकता यह थी कि भीतर उनके नारायण थे और जब वो सांस रोके हुए थे तो नारायण की भी सांस रुक गई, लेकिन नारायण के ऊपर तो कोई असर पड़ा नहीं क्योंकि वो ऑक्सीजन से चलते नहीं है, लेकिन नारायण के भीतर तो तीनों लोग हैं, तो तीनों लोगों की सांस का रुक जाना केवल ध्रुव के सांस के रोक लेने से संभव हो गया। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है, जिसके द्वारा जो मेडिटेशन की साइंस को बताता है कि हाउ डज द साइंस ऑफ मेडिटेशन वर्क्स, इसमें पता लगता है इससे। तो क्या इसमें पता लगा कि यदि हम नारायण को अपने हृदय में धारण करें तो हम पूरे विश्व मानव बन सकते हैं, हम पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जितने महापुरुष होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो इसी प्रकार से बड़े बनते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे करके उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके मन मस्तिष्क में विश्व मानवता बनने लगती है। और जो व्यक्ति विश्व मानवता प्राप्त कर लेता है वही महापुरुष कहा जाता है। तो संसार के जितने भी महानतम लोग हुए हैं वे सभी विश्व मानव बने हैं क्योंकि उनके हृदय में ईश्वर स्थापित हुआ और उन्होंने ईश्वर के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश दिया है। लेकिन यदि हम ईश्वर को नहीं लेंगे साथ में तो कभी भी हम पूरे विश्व को संदेश नहीं दे सकते। इसलिए सबसे बड़ा काम हमें करना है कि हमें ईश्वर को साथ में लेना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मोबाइल का। योर मोबाइल इज यूजलेस इफ इट डज नॉट गेट द नेटवर्क। इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क इट वॉन्ट वर्क, इट्स यूजलेस। लेकिन इसके लिए नेटवर्क प्राप्त करने के लिए हमको कहीं ना कहीं से सिग्नल लेना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो हृदय है, हमारा मन है, जब तक ईश्वर से जुड़ेगा नहीं तब तक ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने को छोटा बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को बड़ा क्यों ना बनाओ। ध्रुव जैसा छोटा सा बालक जो कि 5 वर्ष का बालक है और वो जब मेडिटेशन करता है, जब भगवान का ध्यान करता है और जब अपनी सांस रोकता है तो पूरे विश्व की सांस रुक जाती है, तो हमारे द्वारा ये संसार क्यों नहीं चलाया जा सकता। यदि आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊं, छोटे मोटे काम तो आप कर ही सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में भी और विचार करिए, मेडिटेशन इज नॉट सो ईजी और इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ये भी कह सकता हूं मैं, एज सम पीपल हैव पोज्ड इट। या कुछ लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन तो बहुत सरल है, आंख बंद करो बस मेडिटेशन शुरू हो गया। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको मेडिटेशन, नॉन पर्सनल मेडिटेशन सिखाते हैं, इम्पर्सनल मेडिटेशन। बिवेयर ऑफ इम्पर्सनल मेडिटेशन, दैट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर माइंड। गीता हमको ध्यान योग बताती है और कहती है कि किस तरह से आप धीरे धीरे करके और मुझे प्राप्त करो। आप जरा बताइए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम मुझे धारण करो अपने हृदय में, अपने मन में। और लोगों को आपने देखा होगा ऐसा मेडिटेशन करते हैं जिसमें ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं होता है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे सिखाने वाले जो आपको क्या बताते हैं कि आप किसी एक बिंदु पर ध्यान दीजिए या एक ज्योति पर, एक लाइट पर अपना ध्यान लगाइए। यदि आप इस प्रकार से लाइट पर और ज्योति पर ध्यान लगाएंगे या बिंदु पर ध्यान लगाएंगे तो
आप में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी एंड दैट प्रॉब्लम वुड नॉट बी रिड्रेस्ड इवन बाय डॉक्टर्स. यू विल स्पॉइल योर माइंड इफ यू डू इम्पर्सनल मेडिटेशन. कभी भी इम्पर्सनल मेडिटेशन मत कीजिए, जब भी करिए तो भगवान का ध्यान करिए. क्योंकि आप कभी भी देख लीजिएगा, मैं तो कहता हूं कि आप ब्लड प्रेशर मशीन लेकर के बैठिए और इम्पर्सनल मेडिटेशन यदि आप करें और उसके बाद में अपना बीपी नाप करके देखिएगा, योर बीपी विल शूट अप. व्हाई? बिकॉज इम्पर्सनल मेडिटेशन क्रिएट्स ए काइंड ऑफ टेंशन इन योर माइंड. तो भगवान कहते हैं कि ध्यान केवल मेरा करना है और मेरा ध्यान करने में उन्होंने कई प्रकार के उपाय बताए हैं. पहला तो उपाय उन्होंने बताया है कि मेरे में मन लगाओ ध्यान से. जब मन न लगे तो कोई बात नहीं है, ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली कोशिश करो मेरे में जोड़ने की, अपने मन को जोड़ने की. और तब भी मन न लगे तो फिर मेरे कर्मों को करना शुरू कर दो. और वो भी न कर पाओ तो भगवान ने कहा कि कर्म त्याग कर दो. इस रहस्य में जो भगवान ने कहने की कोशिश की है उसको समझने की बात, वो समझने की बात है कि भगवान का ध्यान दो प्रकार का होगा. एक तो होगा ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन और एक होगा सब्जेक्टिव मेडिटेशन. ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन जो आपको करना है उसमें भी आपको दो प्रकार का मेडिटेशन होगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे आप? पहला तो ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक मेडिटेशन और दूसरा डायनेमिक मेडिटेशन. आपको कौन सा सर समझ में आता है, सरल कौन सा लगता है? भगवान का स्टैटिक मेडिटेशन आप करना सरल पड़ेगा आपको, स्थिर ध्यान करना सरल पड़ेगा या चंचल ध्यान करना सब सरल पड़ेगा? कौन सा ध्यान रहेगा आप बताइए, विचार कीजिए. हैं? चंचल ध्यान करना अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? अच्छा रहेगा. बहुत अच्छी बात कही. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस आंसर. इट मीन्स यू थिंक ओवर इट. स्टैटिक ध्यान से ज्यादा अच्छा है चंचल ध्यान. चंचल का मतलब डायनेमिक मेडिटेशन. जो स्टैटिक मेडिटेशन है वो इतना ज्यादा आपकी माइंड के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है जितना डायनेमिक मेडिटेशन जो है आपके ध्यान के लिए अच्छा है. मैं इसको चंचल ना कह करके गतिशील कह दिया जाए ज्यादा अच्छा होगा. गतिशील, गतिशील का मतलब गत्यात्मक, जिसमें गति हो. तो आप बताइए कि स्टैटिक मेडिटेशन कैसा होगा और डायनेमिक कैसा होगा? स्टैटिक मेडिटेशन का मतलब है कि आपने भगवान का ध्यान किया, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिरध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम. ये तो श्लोक आपको मालूम ही होगा, बहुत प्रसिद्ध है. या भगवान राम का आपको जैसे ये श्लोक है, नीलांबुजश्यामलकोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम. या शंकर जी का श्लोक आपको याद होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि. कोई भी आप स्टैटिक मेडिटेशन ले सकते हैं, किसी भी एक रूप को ले सकते हैं. और जैसे कैलेंडर में कोई रूप होता है, किसी पिक्चर में कोई रूप है, जैसे आप ये रूप देख रहे हैं, श्रीनाथ जी का ये स्वरूप है या राधारमण जी का ये स्वरूप है, इसको क्या बोलेंगे आप? दिस इज स्टैटिक मेडिटेशन. आप चरणों का ध्यान कर रहे हैं, आप मालाओं का ध्यान कर रहे हैं, उनके नेत्रों का ध्यान करते हैं, उनकी चिबुक का ध्यान करते हैं, उनके ओठों का ध्यान कर रहे हैं, उनके क्रीट का ध्यान करते हैं, उनके हाथों का ध्यान करते हैं. दिस इज ऑल स्टैटिक मेडिटेशन. ये कौन सा ध्यान है?
जो पीछे है, जस्ट इन द बैक. इज इट स्टेटिक और डायनेमिक? इट इज डायनेमिक. आप यदि इस बात का ध्यान करें कि भगवान श्री कृष्ण रथ को चला रहे थे, और उस समय पर जब अर्जुन ने कहा कि मैं अब युद्ध नहीं कर सकता हूं, तो भगवान अपना मुंह घुमा करके और उसको बताना शुरू कर देते हैं, और गीता बता रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और आपको ये ध्यान आ रहा है, दिस इज समथिंग डायनेमिक, इट्स मूविंग, मूविंग लाइक ए मूवी, जिसे पिक्चर मूव होती है, वैसे ध्यान हो रहा है. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप ही इस बात का जवाब दीजिए मुझे, कि आपने डायनेमिक मेडिटेशन को माइंड के लिए अच्छा बताया, व्हाई, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स वैल्यूएबल फॉर द माइंड? किस आधार पर? हाँ, and that's perfect. Your answer is perfect. Your answer is perfect. आप देखिए, भागवत में, गीता में, हमारे शास्त्रों में मन को चंचल कहा गया. चंचल एव ही मनः, चंचल एव ही मनः. ये मन जो है वो चंचल है. और आप बताइए, गाड़ी चंचल होती है या स्टेटिक होती है? आपकी कार स्टेटिक है या डायनेमिक है? डायनेमिक है. तो क्या आप अपनी कार को स्टेटिक बनाना चाहते हैं? द मोमेंट योर कार बिकम स्टेटिक, सपोज आपके कार के चारों जो व्हील्स हैं वो हटा दिए, निकाल दिए जाते हैं, एंड योर कार बिकम स्टेटिक, तो क्या कार का कोई वैल्यू रहेगी? कार का कोई महत्व रहेगा? कार का महत्व कब तक है? जब तक वो चलने वाली है. यदि वो चलती नहीं है तो फिर कार कैसी? एक कहावत है, आप लोग जानते हो, हिंदी में कही जाती है, चलती का नाम गाड़ी, जो चले सो गाड़ी, जो चलती नहीं गाड़ी क्यों? तो यही मतलब है कि आपका मन यदि चलता नहीं है तो इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं पर उसमें कमी है. हमारे यहां गीता में, भागवत में या अन्य अन्य शास्त्रों में यह नहीं कहा गया कि मन को रोक दो. उनको रोकने के लिए नहीं कहा गया, मन को स्थिर करने के लिए नहीं कहा गया, मन को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है. कार को रोकना एक चीज है और कार को कंट्रोल करना एक दूसरी चीज हो गई. एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कार को स्टैग्नेंट करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि चलती हुई कार को कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करना. ये मन जो है वो चंचल है. और आप बताइए, गाड़ी चंचल होती है या स्टेटिक होती है? आपकी कार स्टेटिक है या डायनेमिक है? डायनेमिक है. तो क्या आप अपनी कार को स्टेटिक बनाना चाहते हैं? द मोमेंट योर कार बिकम स्टेटिक, सपोज आपके कार के चारों जो व्हील्स हैं वो हटा दिए, निकाल दिए जाते हैं, एंड योर कार बिकम स्टेटिक, तो क्या कार का कोई वैल्यू रहेगी? कार का कोई महत्व रहेगा? कार का महत्व कब तक है? जब तक वो चलने वाली है. यदि वो चलती नहीं है तो फिर कार कैसी? एक कहावत है, आप लोग जानते हो, हिंदी में कही जाती है, चलती का नाम गाड़ी, तो चले सो गाड़ी, तो चलती नहीं गाड़ी. तो यही मतलब है कि आपका मन यदि चलता नहीं है तो इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं पर उसमें कमी है. हमारे यहां गीता में, भागवत में या अन्य अन्य शास्त्रों में यह नहीं कहा गया कि मन को रोक दो. उनको रोकने के लिए नहीं कहा गया, मन को स्थिर करने के लिए नहीं कहा गया, मन को नियंत्रित करने के लिए कहा गया. कार को रोकना एक चीज है और कार को कंट्रोल करना एक दूसरी चीज है. एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कार को स्टैग्नेंट करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि चलती हुई कार को कंट्रोल करना. उसको कंट्रोल करने का मतलब है इट शुड गो इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जानी चाहिए. इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मन जो है वो सही डायरेक्शन में चलना चाहिए.
अब देखा होगा कि अब तो बहुत कम मिलता है देखने को, पहले तांगे हुआ करते थे, इक्के हुआ करते थे, और तांगों इक्कों में जो घोड़े लगते थे उन घोड़ों के आंखों पर एक ऐसा पट्टे लगाए जाते थे, क्या बोलते थे उनको, आप लोगों ने देखा होगा ना, क्यों लगाए जाते थे, जिससे कि इधर उधर न दिखाई दे उनको, बिल्कुल सामने दिखाई दे, स्ट्रेट चले वो, जिधर मोड़ दिया जाए उधर ही वो चले, कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर कोई जानवर वगैरह दिखाई दे तो उसे चौंक ना जाए वो। कुछ इसी प्रकार का काम हमको भी करना पड़ेगा, हमको भी अपने पट्टे लगाने पड़ेंगे। पट्टे लगाने का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू गो इन द राइट डायरेक्शन, वी हैव नॉट टू डिविएट अवर माइंड, हम अपने माइंड को डिविएट ना करें, हम उसको इधर उधर बिखरने ना दें। तो स्टेटिक होना कोई बहुत वर्थ प्रेजिंग चीज नहीं है, कोई नथिंग, देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट। जो वैल्यू है सबसे बड़ी वो है हाउ टू मेक इट प्रोग्रेस, हाउ टू मेक इट गो इन ए राइट डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर प्रॉपर डायरेक्शन। जब हम सही दिशा में अपने मन को आगे बढ़ाने लगेंगे तो हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। इसलिए मन की चंचलता का मतलब है कि मन इधर उधर भटकता है, उसको भटकने मत दो, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, यदि इस तरह से हमारा मन भटकता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा हमारे लिए। इसलिए हमें मन को किसी एक दिशा में लगाना है। तो अब बताइए कि स्टैटिक मेडिटेशन यदि आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट कंसेंट्रेट ऑन द आईज ओनली, यू कंसेंट्रेट ओनली ऑन ए फ्लिकर ऑफ लाइट, you concentrate only on a point, तो क्या सही रहेगा, क्या होगा, थोड़ी देर में आपका मन जो है वो एकदम पूरी तरीके से तनाव में आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे और थक जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप परेशान होकर के और दोबारा मेडिटेशन करने की इच्छा ना करें, या आप को शायद माइंड की थकान इतनी ज्यादा होने लगेगी कि आपका माइंड सो जाएगा, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, और माइंड काम करना बंद कर देगा दैट वुड ऑल्सो बी ए डेंजरस सिचुएशन। इसलिए हमें डायनेमिक मेडिटेशन करना होगा। अब बताइए डायनेमिक मेडिटेशन भी दो प्रकार का हो गया, डायनेमिक मेडिटेशन दो प्रकार का, कौन सा, एक तो ऑब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन और एक सब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन, एक ओडियम और एक एसडीएम। ओडियम डायनेमिक मेडिटेशन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, भगवान का ध्यान करिए, लेकिन आप बताइए कि इसमें क्या करेंगे आप। ऑब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन में भगवान का लीलाओं का ध्यान करेंगे, इसीलिए भगवान ने लीलाओं को किया है, इसीलिए भगवान ने अपने जीवन में यहाँ जन्म लेकर के अवतार लेकर के और विविध प्रकार की लीलाएं की हैं। तो आप जब कभी भी मेडिटेशन में बैठें तो भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, कौन सी लीला ऐसी है जो आपकी फेवरेट है, फॉर एग्जाम्पल बताइए आपको कौन सी लीला भगवान की बहुत अच्छी लगती है, माने विच एपिसोड ऑफ कृष्णाज लाइफ यू लाइक मोस्ट, कौन सा बहुत अच्छा लगता है, हैं? कौन सा, बाल रूप वाला भगवान का, बिल्कुल ठीक है, भगवान ने बाल लीला में कौन 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 सी लीला बहुत अच्छी लगती है, कोई एपिसोड बताइए, माखन चोरी करते हैं, वो चढ़ जाते हैं बच्चों के ऊपर और इसके बाद में उसमें जो मटकी उतारते हैं या मटकी में छेद करते हैं, बिल्कुल सही है। अब जरा सोचिए कि आप मन आप बैठे हुए हैं खाली और आपने बंद आंख कर ली है और आप ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं और वो चले आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ में किसी घर में चोरी करने के लिए,
और घर में प्रवेश करते हैं, सब बच्चे भी चले जाते हैं और बच्चों ने मिल करके एक अपना देखा कि बहुत ऊंचाई पर है मक्खन, तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम सब लोग एक गोल घेरा बनाओ, इसके ऊपर एक कुछ लोग बच्चे चढ़े, फिर उसके ऊपर कुछ बच्चे चढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर जा करके भगवान श्री कृष्ण चढ़ जाते हैं और उसके बाद अपने देखते हैं तब भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो वो अपने सोने की बांसुरी निकालते हैं और उसमें से छेद करते हैं और छेद करके उसमें से जो मक्खन बहता हुआ नीचे निकलता है उसको पाने के लिए भगवान सबसे पहले नीचे उतर आते हैं और सबसे पहले जो नीचे बच्चे थे, सबसे नीचे जो बच्चे थे उनसे कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार पहले है, तुम पियो ये मक्खन। फिर इसके ऊपर वाले बच्चे जो हैं वो पीते हैं, फिर उसके ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो पीते हैं, सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण का नंबर आता है और जब श्री कृष्ण भगवान पीना शुरू करते हैं उस मक्खन को जो धार बह रही है उससे, तो तभी घर की जो गोपी है वो उनको पकड़ लेती है और कहती है आज तुम पकड़े गए हो, आज मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी और तुम्हें रंगे हाथ मैंने पकड़ा है, तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाया, मैंने आज पहली बार पकड़ा है। अब इस प्रकार की जो भगवान ने छोटी छोटी लीलाएं की हैं, हाउ मच प्लेजर दे कैन गिव यू, इससे फायदा क्या होगा। अब यदि कोई पूछे कि ये व्हाट नॉनसेंस, इस बात को सोच करके यदि हम इस प्रकार की फीलिंग, मैंने इस प्रकार से भगवान के बारे में यदि हमने ये कहानी का, ये उनकी जो लीला है उसका यदि हमने ध्यान कर लिया तो व्हाट बेनिफिट इज इट गोइंग टू गिव, क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें, हमें कोई बेनिफिट है क्या इस लीला से, क्या बेनिफिट मिलेगा बताइए भगवान की लीला का ये बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए आपने बाल लीला आपको बहुत अच्छी लगी, आपने बाल लीला का किया, और कोई लीला बताइए जो आपको ध्यान करनी है भगवान की, हैं? ओखली से दामोदर लीला, भगवान की जो दामोदर लीला है उसमें वो ओखली से यशोदा मैया जो है उनको बांध देती हैं रस्सी, पहले तो रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ जाती थी, फिर बाद में वो दो अंगुल छोटी नहीं पड़ी, उन्होंने रस्सी से बांध दिया ओखली से और फिर भगवान जो है वो उसको अपने ओखली को खींचते हुए ले जाते हैं और दो वृक्ष हैं यमलार जो नलखुबर मणिग्रीब वाले वृक्ष, उन वृक्षों के बीच में जाकर के उन्होंने अपनी ओखली फंसा दी और झटका देते हैं तो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उन दोनों वृक्षों में से नलखुबर मणिग्रीब दो यक्ष निकलते हैं और वो भगवान की स्तुति करते हैं। ये सब आप अपने ध्यान में देखते हैं, दिस इज कॉल्ड ओडियम। ओडियम क्यों कहेंगे इसको हम, ऑब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन। ऑब्जेक्टिव क्यों है ये, बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्विंग माई सेल्फ, मैं अपने को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं इसमें। यदि आप सोच रहे हैं तो आप कहीं पर भी इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, इस पूरी लीला में, इस पूरे ड्रामा में, इस पूरे नाटक में आपका कोई रोल नहीं है, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। That's why it is an ODM, ODM, Objective Dynamic Meditation. लेकिन मैं आपसे एक बात और मजेदार बता रहा हूं, यदि आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, हो ही जाता है, और ये ध्यान रखो कि संसार का प्रेम और भगवान के प्रेम में कोई फर्क है या नहीं है। संसार का प्रेम कैसा है, संसार का प्रेम बदल जाता है, संसार का प्रेम बदल जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम बदलता नहीं है। हम भगवान से यदि प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो दैट विल कंटिन्यू एंडलेसली इन्फिनिटली, लगातार चलेगा वो हमारा प्रेम। संसार का प्रेम इतना अच्छा, इतना लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता है। तो भगवान से यदि आपका प्रेम प्रारंभ हो गया तो फिर आप सब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें आप भी एक पात्र बन जाते हैं उस लीला के। आप जो नाटक देख रहे हैं उसमें आप भी एक पात्र होते हैं, आप भी कुछ कर रहे होते हैं, कुछ काम करते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन में थोड़ा अधिकार की समस्या है, हर एक को अधिकार नहीं होता यह करने का, क्योंकि यू आर जस्ट गोइंग बियॉन्ड योर प्रिविलेज।
बियॉन्ड योर राइट, बियॉन्ड योर अथॉरिटी. जो आपकी अथॉरिटी है उससे बियॉन्ड जा रहे हैं आप. क्या आप ईश्वर के साथ में रह करके और ईश्वर की लीलाओं में हाथ बटा सकते हैं, ईश्वर की लीलाओं को शेयर कर सकते हैं, क्या ईश्वर के कामों में भी जुड़ सकते हैं? जरा सोचिए, वो ईश्वर जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकों का स्वामी है, जो करोड़ों करोड़ों यूनिवर्सेस को चला रहा है, जिसकी इच्छा से चल रहे हैं, और उसके साथ रह करके आप काम करना चाहते हैं, आर यू रेडी फॉर इट? इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी. जब गुरु आपको अधिकार देगा कि हां ऐसा कर सकते हो, देन यू आर ऑथराइज्ड. सो यू कैन गेट एन अथॉरिटी जस्ट थ्रू ए गुरु, ए बोनाफाइड गुरु, एंड देन यू कैन डू सब्जेक्टिव मेडिटेशन. बट आई एम जस्ट गिविंग यू द वे हाउ टू डू मेडिटेशन, सब्जेक्टिव मेडिटेशन. अब इट डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर साइके. जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइके, आपका जो मनोसंविधान है, मन की संरचना है आपकी, उसके अनुसार ही आप सब्जेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. आपको अपने मन पर, अपने मन को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मन के भीतर जाना पड़ेगा, मन को एनालाइज करना पड़ेगा कि इस मन में क्या क्या भरा हुआ है. तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं बताइए. आपको भगवान का जब ध्यान आप करते हैं तो आपका और भगवान का कोई संबंध बनता है कि नहीं बनता है? आपको भगवान कैसे लगते हैं? भगवान आपको मालिक लगते हैं या मित्र लगते हैं, आपको दोस्त लगते हैं या आपको बेटे लगते हैं अपने? कुछ भी लग सकते हैं. भाई आप लोग रोज वो अपनी प्रार्थना करते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव. लेकिन एक बात, मजेदार बात यह है कि भगवान का जो रिलेशन है वो एमोर्फस है. जो हमारे संसार के जो रिलेशंस होते हैं, दे आर ऑर्थोडॉक्स रिलेशंस. ऑर्थोडॉक्स मींस वन रिलेशन इज वन रिलेशन, इट कैनॉट बी चेंज्ड, इट इज ऑर्थोडॉक्स. यदि कोई मां है मेरी तो मां है वो मेरी, यदि मेरा पिता है तो वो पिता है, मेरी बहन है तो बहन है, मेरा भाई है तो भाई है. लेकिन ईश्वर तो कुछ भी हो सकता है, ईश्वर तो कुछ भी हो सकता है. क्योंकि ईश्वर इसलिए हो सकता है कि वो मेरे पिता में भी है, मेरी मां में भी है, मेरी भाई में भी है, मेरी बहन में भी है, मेरी पत्नी में भी है, मेरे पति में भी है, मेरे बच्चे में भी है, वो सब में रहता है. इसलिए वो कोई भी रिलेशन मेरे साथ बना सकता है. दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल, दिस वी कैन नॉट डू इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, इन अवर वर्ल्डली लाइफ. हम अपनी वर्ल्डली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन ईश्वर के साथ में ये सब संभावनाएं हैं, ये संभव है. तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है, तो ही मोहि नाते अनेक. तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी. ये तुलसीदास जी ने कल्पना की थी कि आपका मेरा संबंध कोई भी बना लो चलेगा, यदि तुम दयालु बनते हो तो मुझसे ज्यादा दया का पात्र और कौन हो सकता है, दीन दुखी आदमी कौन हो सकता है. मैं बड़ा ही दीन दुखी व्यक्ति हूं महाराज, मुझे अपना दया का पात्र बनाइए, अपनी कृपा का पात्र बनाइए. तू दयालु दीन हो, तू दानी हो. यदि आप दानी हो ना, बहुत बड़े दानी हो, तो महाराज मुझसे बड़ा भिखारी इस संसार में कौन होगा. मैं आपका भिखारी हूं, मुझे अपना भिखारी बना लो. अर्थात जितना भी आपकी दानशीलता है वो मेरे ऊपर दिखाओ ना महाराज.
तो ही मोही अनाते अनेक मानिए जो भावे, आपको जो अच्छा लगे वो बना लो। यही बात है कि हमें भगवान से कोई ना कोई नाता फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो कि ईश्वर के प्रति जो हमारा संबंध है वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लेकिन हमारा माइंड ऑर्थोडॉक्स है, हमारा माइंड ऑर्थोडॉक्स है। और हमारा माइंड ऑर्थोडॉक्स है इसलिए हमारे मन में एक निश्चित प्रकार की भावना ही भगवान के प्रति हो सकती है। सभी भावनाएं हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हम इंटरचेंजिंग नहीं कर सकते, हम रोज चेंज नहीं कर सकते भगवान के साथ। एक बार आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है मीराबाई ने अब भगवान के साथ में कोई संबंध बनाया था क्या? बताएं कौन सा संबंध था? मीराबाई ने कौन सा संबंध बनाया था? पति बना लिया था। ये कहा था कि मैं, मेरे वो पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूं। और शायद सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कल्मिनेशन है किसी विसिनिटी का, किसी क्लोजनेस का, संबंध की जो क्लोजनेस हो सकती है, तो शायद इससे ज्यादा क्लोज और कोई भी संबंध नहीं हो सकता। सबसे पहला संबंध कौन सा है? सबसे पहला संबंध है दास्य भाव। ईश्वर मेरा मालिक है, मैं उसका दास हूं, ये पहला संबंध। दूसरा संबंध कौन सा है? सख्य भाव। ईश्वर मेरा मित्र है, मैं ईश्वर का मित्र हूं। जरा सोचिए, दास्य भाव का कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताइए जिसने ईश्वर को अपना स्वामी बनाया हो, मालिक बनाया हो, और खुद वो उनका दास बन गया हो, स्लेव बन गया हो। हनुमान जी महाराज, कपिपतिर दास्ये थे सख्य अर्जुना। और सखा वाला कोई संबंध बनाइए, सुदामा वाला सखा मित्र। तो दास भी बन सकते हैं भगवान के आप उनके मित्र भी बन सकते हैं। और आगे एक और संबंध है, वो है माता का संबंध। किसी ने उनको अपना बेटा भी बना लिया था ना? किसने बेटा बनाया उनको? भगवान को बेटा किसने बनाया? यशोदा जी ने, देवकी जी ने बनाया ना। तो ये सब, ये संबंध कौन सा है? मां वाला संबंध। कृष्ण मेरा बेटा है। अब जरा सोचो ये कितना पवित्र है ये संबंध। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक स्त्री गई और स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं, मेरे बेटे के प्रति मेरा मोह बहुत अधिक है, ममता बहुत अधिक है, मैं बेटे के लिए बड़ी बेचैन रहती हूँ, रात दिन मैं अपने बेटे के बेटे 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 के लिए मोह बना रहता है मेरा, मैं बड़ा दुखी हूँ, कोई ऐसा व्यवस्था बताइए जिससे मेरा बेटे के प्रति ममत्व कम हो जाए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें गोपाल जी देता हूं। वो गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति दे दी उनको और कहा कि ये ले जाओ, ये इसकी सेवा करो। ये एक तो बेटा है ही तुम्हारा, एक दूसरा बेटा और मैं दे रहा हूं। और जैसे तुम अपने बेटे के बारे में चिंतित रहती हो ना, वैसे इसके लिए भी चिंतित रहना, इसको खिलाना पिलाना, जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है अपने आप कुछ नहीं कर पाता है, इसकी सेवा करना। दो साल बाद जब वो वहां पहुंची तो बोली, महाराज अब तो इतना अधिक आपने मुझे व्यस्त कर दिया है, ये ऐसा बच्चा दे दिया है कि इसी की चिंता करने में सब समय निकल जाता है, मैं अपने बच्चे की चिंता ही नहीं कर पाती हूं, सब मोह खत्म हो गया। संसार के जो झूठे नाते हैं उनसे यदि आप अपने ममत्व को समाप्त करना चाहते हो, अपने वैराग्य को उत्पन्न करना चाहते हो, वैराग्य को तैयार करना चाहते हो, वैराग्य को विकसित करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप भगवान से अपना संबंध बनाएं। तो जो सखा वाला संबंध है वो दास संबंध से डबल है। सखा जो होता है वो सेवा भी करता है। क्यों भाई?
मित्र को जब मुसीबत होती है तो जो सखा होता है वो सेवा करता है कि नहीं करता है? तो सखा दास भी होता है और सखा भी होता है, और माँ जो है वो 3 times है दास से, 3 गुना ज्यादा है। कैसे? कि माँ दास भी होती है, माँ सखा भी होती है, और माँ माँ तो होती है। तो 3 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? माँ दास भी होती है, माँ सखा भी होती है। दोस्त, इससे बढ़िया दोस्त कोई होगा नहीं। बच्चे के लिए सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? माँ। और माँ तो माँ है ही वो। यदि आप भगवान से कुछ और आगे का संबंध बनाना चाहें तो कौन सा बनेगा? मां से भी बड़ा संबंध कौन सा होता है? हालांकि किसी मां को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मां से बड़ा संबंध प्रेयसी का होता है, पत्नी का होता है, मां से भी बड़ा संबंध। आपने देखा होगा कि जब मां और माने सास और बहू में झगड़ा होता है तो कौन जीतता है? बहू जीतती है, सास को तो हारना ही पड़ता है। अंततो गत्वा जीत तो बहू की होगी, क्योंकि बहू जो है वो 4 times मां से नहीं, दास भाव से। उसमें क्या, उसमें बहू में माने पत्नी में 4 गुण होते हैं। दास का गुण भी है, सखा भी है वो, मां भी है वो, और पत्नी तो है ही। आपको मालूम है स्त्री जो है, बेकन ने कहा है कि वाइव्स आर ओल्ड मेंस मदर्स, पत्नियां जो हैं वो बूढ़े लोगों की मां होती हैं। जब बुढ़ापा आता है ना, तो बुढ़ापे में स्त्री जो उसकी सहचारिणी होती है वही उसकी मां के समान उसकी देखरेख करती है अपने पति की, जस्ट लाइक मदर। तो अब आप बताइए, पोटेंसी बढ़ रही है ना, ऊपर ऊपर जा रही है पोटेंसी। इसको तो पहले वाले को क्या कहा गया? दास्य संबंध भगवान का। दूसरे को क्या कहा गया? दूसरे को सख्य संबंध, सख्य भाव है। तीसरे को वात्सल्य भाव, ठीक है ना, मातृभाव कह सकते हैं उसको। और चौथा कौन सा है? कांता भाव, प्रेयसी भाव या पत्नी भाव, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा कुछ आगे कुछ है क्या? इससे भी बड़ा कुछ है क्या? हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये तो सबसे नीचे पहुंच गया, ये तो शांत भाव में पहुंच गया, ये तो संबंध ही खत्म हो गया, सभी संबंध समाप्त हो गए इसमें जाकर के, जीरो हो गया। ये तो वो जो स्नेक लैडर की वो होती है ना, जिसमें बड़ा मुश्किल से 99 तक पहुंचे, पता लगा फिर वहीं पर आ गए एक पर। एक और है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है वो, उसका नाम है गोपी भाव। तो 5वां भाव हो गया ना, गोपी भाव इससे भी बड़ा हो गया, अर्थात पत्नी भी नहीं है उसके सामने कुछ भी है, गोपी भाव उससे भी ऊंचा हो गया। और गोपी भाव से भी कोई बड़ा भाव है क्या? गोपी भाव से भी कोई बड़ा भाव हो सकता है? हाँ, गोपी भाव से भी एक बड़ा भाव है, अर्थात गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठ कौन था, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन था? राधा रानी, वो है राधा भाव। राधा भाव को इसीलिए महाभाव कहा गया है, उससे बड़ा कोई होता नहीं है। तो अब राधा भाव पर तो कोई नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकते हैं कि हम लोग शायद, वी कैन नेवर रीच दैट पॉइंट। और गोपी भाव पर पहुंचना भी बहुत कठिन बात है। हां, मीराबाई वाला भाव जहां तक है वहां तक पहुंचते हुए देखा है लोगों को, मीराबाई बाई के भाव तक तो लोग पहुंचते हैं। और वृंदावन में, ब्रज में बहुत से संत ऐसे हैं जो अभी भी गोपी भाव में रहते हैं, बड़े बड़े संत जो हैं वो गोपी भाव में रहते हैं। ये है सब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन। सब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन में आप यदि इसका भाव, इसको जरा अच्छी तरीके से अभ्यास कर लें
और यदि आपको आपके गुरु जो हैं वो यदि इस बात की अनुमति प्रदान कर दें सब्जेक्टिव डायनेमिक मेडिटेशन में प्रवेश करने की, तो शायद इससे ज़्यादा आनंद की और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो मैं अब गीता की उस स्थिति को बता रहा हूँ जहाँ पर जाकर के गीता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, जिसके बाद में अब आगे कुछ भी समझने को रह नहीं जाता है। जो व्यक्ति भगवान से अपना कोई ना कोई संबंध बना लेगा, क्या वो इस संसार का व्यक्ति होगा, साधारण व्यक्ति होगा? उस व्यक्ति को न तो दुख होगा, न शोक होगा, न रोग होगा, न भय होगा, न चिंता होगी। ऐसा व्यक्ति परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। और जब तक हम इस स्थिति को नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक गीता का जो चरम अवस्था है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने सर्वांत में क्या कहा है, सर्वांत में इसीलिए बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, 18वें अध्याय का ये श्लोक है। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा ये जो जजमेंट आपने पढ़े होंगे, जजमेंट जो आते हैं कोर्ट के, तो कभी कभी 800 पेज का जजमेंट, 1200 पेज का जजमेंट, 700 पेज का जजमेंट, 500 पेज का जजमेंट, लेकिन जजमेंट कितना बड़ा होता है, वास्तविक जजमेंट कितना बड़ा होता है, वो तो आखिर में जस्ट ऑन द लास्ट पेज और दो चार लाइनों में लिखा होता है, बस लिखा होता है कि नहीं? क्योंकि जजमेंट में जितनी भी विटनेसेस होती हैं, जितनी भी बातें कही होती हैं, जितने भी वकीलों ने जो कुछ भी बहस की होती है, वो सब का सब उसमें देना पड़ता है, एक एक चीज देनी पड़ती है। तो पूरी गीता जो है इट्स ए काइंड ऑफ जजमेंट। तो जब अंत में पहुंचते हैं, और अंत में पहुंचते हैं वो क्या है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। आपका केवल एक ही काम है, एक ही काम है, और वो क्या है कि ईश्वर के प्रति हमें हर प्रकार से अपने को जोड़ना है। वी हैव टू एसोसिएट विथ कृष्णा एंड नथिंग एल्स, एंड एसोसिएट टोटली फुली, डोंट एसोसिएट योरसेल्फ इन पार्ट्स, पार्ट्स में मत जोड़िए, ईश्वर से अपने को 100% जोड़ना है। और जब तक 100% नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपका जोड़ना जोड़ना नहीं माना जाएगा। तो 100% जोड़ने के लिए क्या आर यू रेडी? मैं समझता हूं कि 100% जोड़ना ही सबसे ज्यादा सरल है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 100% एसोसिएटेड विद कृष्णा। यू हैव टू रियलाइज दिस ओनली, एंड दैट मच इज सफिशिएंट। You need not do anything. आपको करना कुछ नहीं है, आपको तो केवल पहचानना है, आपको तो केवल जानना मात्र है कि मैं पूरी तरीके से 100% भगवान से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि भगवान ने आपको अपने से जोड़ करके भेजा है। बस प्रॉब्लम तो यह हो गई कि हम उस जोड़ को भूल गए हैं, हम उस जोड़ को विस्मृत कर गए हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है, वो यही है कि हम भगवान को भूल गए हैं। गीता के अंत में क्या आता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह मेरा नष्ट हो चुका है, और स्मृति ये अर्जुन के शब्द हैं। अर्जुन कहता है स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। एंड व्हाट इज दैट स्मृति, बताइए स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति माने मेमोरी। आपको मालूम है भागवत में उद्धव जी ने पूछा कह मृत्यु हो, व्हाट इज डेथ, भगवान कृष्ण से पूछा व्हाट इज डेथ, डेथ किसे कहते हैं? आप लोग क्या कहते हो डेथ के बारे में, व्हाट्स योर आइडिया, डेथ किसको कहते हैं? कैन यू डिफाइन डेथ, डेथ को डिफाइन करिए शब्दों में, बोलिए क्या कहते हैं डेथ? माइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी
to another. Right. Right. और medical जो language है उसमें क्या कहेंगे? Medical language में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? ब्लड सप्लाई, हार्ट से ब्लड सप्लाई का, माने हार्ट से ब्रेन तक की ब्लड सप्लाई का रुक जाना, हार्ट से ब्रेन तक की ब्लड सप्लाई का रुक जाना ही डेथ है. जब हार्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई देना बंद कर देता है तो इट इज डेड. ऐसे ही तो होता है ना, हार्ट पहले रुकता है और उसके रुकने से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड सप्लाई माइंड में जाती नहीं है, जब जाती नहीं है तो आदमी मर जाता है. लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ और बोल दिया, वो डेथ के बारे में बोला अर्जुन को, बताया उद्धव को. उन्होंने कहा कहा मृत्यु, बोले कि मृत्यु अत्यंत विस्मृति ही, मृत्यु अत्यंत विस्मृति, मृत्यु डेथ इज एक्सट्रीम फॉरगेटफुलनेस, डेथ इज एक्सट्रीम फॉरगेटफुलनेस. हाउ वुड यू डिफाइन इट? Do you understand or not? पूरी तरीके से भूल जाने को मृत्यु कहते हैं, पूरी तरीके से भूल जाने को मृत्यु कहते हैं. Means total loss of memory. Total loss of memory is called death. और मैंने देखा है जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट होता है और वो total loss of memory में चले जाते हैं और उनके, और उसके बाद भी जिंदा तो रहते हैं, फिर भी loss of memory हो जाता है. तभी हम उनको मेडिकल लैंग्वेज में उनको जिंदा कहेंगे. इन स्पाइट ऑफ द टोटल लॉस ऑफ मेमोरी दे आर अलाइव. तो फिर कैसे बात सही हो? व्हाट इज टोटल लॉस ऑफ मेमोरी? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब यहां पर वो नहीं है जो मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, बल्कि वो है यहां पर जो आप समझने की कोशिश करें, फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश करें, अर्थात भगवान को भूल जाना ही मृत्यु है. ईश्वर को भूल जाना, और ईश्वर को भूलने का मतलब क्या हुआ कि आई एम ए पार्ट ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का एक पार्ट हूं, मैं ईश्वर का एक अंश हूं. ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि. जब यह व्यक्ति भूल जाता है कि मैं उसका हिस्सा हूं, यह मृत्यु है. आप लोगों ने एक तत्वमसी मंत्र पढ़ा होगा, तत्वमसी सुना है? तत्वमसी, तत्वमसी का मतलब होता है कि, वैसे तो अर्थ इसका यह हुआ कि वो तुम हो, जो अभी आपने बोला ब्रह्म, ब्रह्म होने वाली बात, ब्रह्म तुम हो. यह नहीं इतना इंपॉर्टेंट है. अहम ब्रह्मास्मि कहकर के आप सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते. सत्य को प्राप्त करने के लिए आपको कहना पड़ेगा तत्वमसि मीन्स तस्यत्वमसि, अर्थात तुम उसके हो, यह सत्य है. आई एम ए पार्ट ऑफ हिम, मैं उसका एक पार्ट हूं, उसका एक हिस्सा हूं. पानी की बूंद समुद्र का एक हिस्सा है, पानी की एक बूंद जो है वो समुद्र का हिस्सा है, समुद्र नहीं है बल्कि समुद्र का एक हिस्सा है. उसी प्रकार से हम सभी लोग ईश्वर के एक हिस्से हैं, ईश्वर के एक अंश हैं. और जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम एक ईश्वर के अंश हैं, हम जब अपनी आइडेंटिटी को पहचान लेंगे अच्छी तरीके से, तो हमें अपनी स्मृति की प्राप्ति हो जाएगी. तो अब इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. आपको भगवान की शरण में जाना होगा. और शरण में जाने का जो है स्पेस और टाइम का इसमें कहीं पर कोई स्थान नहीं है. दैट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, दैट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ स्पेस. टाइम का इसलिए नहीं है कि आप पहले भी शरण में थे और आगे भी आप शरण में रहेंगे, अभी भी शरण में हैं. और स्पेस की बात, देयर इज नो
transfer of place from one place to another. You need not go from one place to another. ऐसा नहीं, मैं आपसे कहूं कि आप जल्दी से भगवान की शरण में चले जाओ तो आप जाएं मंदिर में जाकर के और साष्टांग दंडवत करें कि मैं भगवान की शरण में आ गया, ये भी नहीं है. There is no question of time and space. फिर क्या चीज है? आपको केवल रियलाइज करना है कि मैं उनकी शरण में हूं. आप लोगों ने वो सुना होगा भजन बहुत अच्छी तरीके से कहा जाता है, पुष्टि मार्ग में भी बहुत उसका महत्व है इस भजन का, श्री कृष्ण शरणम मम. गाया है कभी आप लोगों ने श्री कृष्ण शरणम मम? गाया है? जरा मेरे साथ गाइए उसको. इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें और जोड़ लीजिए थोड़ी सी. श्री कृष्ण शरणम मम, और दूसरा क्या है कि चाहे मैं जिंदा रहूं और चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं श्री कृष्ण ही मेरी शरण है. यहां पर श्री कृष्ण की शरण में जाना नहीं है, श्री कृष्ण मेरा आश्रय है, मैं श्री कृष्ण की गोद में हूं, श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं, श्री कृष्ण ने पूरी तरीके से मुझे ढक रखा है. जैसे मां अपने बच्चे को आंचल से ढक रखती है, उसी प्रकार से मैं भी ढका हुआ हूं. दैट्स व्हाई वी माने आई नीड नॉट फियर. मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है. तो मेरे साथ गाइए आप लोग, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 जीवने निधने नित्यम, श्री कृष्ण शरणम मम, जीवने निधने नित्यम, श्री कृष्ण शरणम मम, शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, संपत्तौ विपत्तौ वा, विपत्तौ वा, संपत्तौ विपत्तौ वा, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 शरणम मम, श्री कृष्ण 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 शरणम मम. इसमें संपत्तौ और विपत्तौ की बात कही जाती है. क्या आप लोग अक्सर अपने, हमने देखा है लोग जब भयभीत होते हैं, जब संकट में होते हैं, जब दुखी होते हैं तो भगवान को याद करें, और जब सुख में होते हैं, जब समृद्धि में होते हैं, जब शांति में होते हैं, जब सब प्रकार के उनके पास में वैभव और विलास होता है तो उनको इस बात की याद नहीं आती है कि श्री कृष्ण शरणम मम. श्री कृष्ण शरणम मम का मतलब ये नहीं है कि जब आप विपत्ति होगी तब आप जाएंगे. ये श्री कृष्ण शरणम मम, इसमें आप देखें इसमें संबोधन नहीं है, इसमें संबोधन नहीं है. संबोधन मतलब इसमें ऐसा नहीं है हे श्री कृष्ण आप मेरी शरण में, मैं आपकी शरण में हूं, या मैं आपके शरण में आया हुआ हूं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है. इसका अर्थ है श्री कृष्ण ही मेरी शरण है, मेरा आश्रय है, श्री कृष्ण
मैं श्री कृष्ण के आश्रय में ही रहता हूँ, श्री कृष्ण सदैव मेरे रक्षक हैं, हर समय मेरी रक्षा करते हैं, इस बात का एहसास कराना ही इस कीर्तन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण शरणम मम का मतलब ये नहीं है कि मैं श्री कृष्ण बचाओ मुझे, मैं मुसीबत में हूं मुझे बचाओ, ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि ये अर्थ है कि चिंता क्यों करते हो, व्हाई डू यू फियर, व्हाई डू यू वरी व्हेन कृष्ण इज विद यू। जब कृष्ण आपके साथ में है तो फिर आप चिंता क्यों करते हो। वो 24 घंटे हमारे साथ है, वो निरंतर नित्य ही हमारे साथ में है। जब वो हमारे साथ में लगातार है तो फिर हम चिंता क्यों करें। इसलिए ईश्वर की इस शरणागति को समझने की कोशिश करिए। अब बताइए, भागवत में, लीलाओं में, भगवान के जीवन काल में ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सा एपिसोड है जो इस श्री कृष्ण शरणम मम से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बताएंगे आप लोग? हैं, द्रौपदी वाला, और सोचें, और विचार करिए। हाँ बिल्कुल, गिरिराज भगवान, मैंने गिरिराज महाराज को जब भगवान ने धारण किया है तो जरा विचार कीजिए, गिरिराज वाला कार्यक्रम क्या है, ये सिंबोलिज्म है, इसको भी समझने की कोशिश करो। यदि हम ये मान के चलेंगे कि भगवान ने गिरिराज धारण किया था और था लगा देंगे इसमें, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान गिरिराज धारण किए हुए हैं, इवन नाउ, अभी भी किए हुए, भागवत में आता है कि जिस समय पर इंद्र का कोप हुआ उनके ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर, और आपको मालूम है भगवान ने स्वयं ही इंद्र की जो पूजा थी उसको बंद करवाया था, और इंद्र की पूजा बंद करवा करके किसकी पूजा करवाई थी उन्होंने, गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत की पूजा कराने का मतलब क्या था, अपनी पूजा कराना, उन्होंने अपनी पूजा कराई थी और ये बताने की कोशिश की थी कि मैं ही समस्त देवताओं का अधिपति हूं, अर्थात मेरी पूजा करने मात्र से समस्त देवताओं की पूजा अपने आप ही संपन्न हो जाती है, तुम्हें अलग से कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं होगी। गीता में लिखा हुआ है कि अनन्य होकर के मेरी पूजा करो, अनन्य होकर के ही मेरे बने रहो, अनन्य होकर के मेरी भक्ति करो। जो व्यक्ति अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है वो वास्तव में अपने को धोखा देता है, क्योंकि जो हमारा सर्वोच्च स्थान है, जो सर्वोच्च हमारा संबंध है वो तो भगवान से है, और हम जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं। जरा विचार करिए, कोई करोड़पति बाप का बेटा हो और अपने पड़ोस के व्यक्ति से जाकर के उनसे कहे कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे जरूरत है, पड़ोसी से जाकर के पैसे मांगे, तो जब उसके पिता को पता लगेगा कि मेरे पड़ोसी से मेरा बेटा पैसे मांगने गया था, उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा, हैं? बुरा लगेगा ना। तो मांगना भी है तो भगवान से मांगो, लेकिन यदि आप इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो आप कृष्ण के प्रेम को आपसे वंचित हो जाएंगे, उससे अपने को हटा देंगे। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद किया, क्योंकि कहां तक करेंगे आप पूजा, किस किस को प्रसन्न करेंगे, इस संसार में प्रसन्न करने की बात जरा सोचिए, आप एक को प्रसन्न करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, करके देख लीजिए। तो एक ही तरीका है कि बस केवल ईश्वर को प्रसन्न कर दीजिए, उसी से सब काम हो जाएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आपका बाल बांका करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, वो तो इंद्र तो बहुत नाराज हो गए थे और इंद्र ने इतना भयंकर प्रलयंकारी जल बरसा दिया था कि सब जितने भी ब्रजवासी थे सब हाहाकार करके और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए थे कि बस महाराज हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने कहा था, मां भीष्टवाद वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया, तुम लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए रक्षा की व्यवस्था कर दी है, यू नीड नॉट फियर। डरते क्यों?
और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया और कहा कि सब लोग आ जाओ इसी के नीचे और आराम से यहीं पर नीचे रहो। ये सिंबॉलिक लीला है। ये गोवर्धन पर्वत का मतलब क्या हुआ? गोवर्धन पर्वत माने, गोवर्धन पर्वत है भगवान की रक्षा की प्रतिज्ञा। भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गोवर्धन पर्वत जो है वो भगवान की प्रतिज्ञा का साकार रूप है। यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आप फिर चिंता आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। भगवान गोवर्धन पर्वत उठाने का मतलब है कि इतना बड़ा पर्वत उठाए हुए हैं, मतलब आपके समस्त जिम्मेदारी को उन्होंने उठा रखा है। तो जो आपकी चिंता है, आपकी घबराहट है, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाने का काम भगवान ने स्वयं कर रखा है। और नहीं आप विश्वास करते हो तो कभी भी आप देख लीजिएगा, आपको बस केवल एहसास करना मात्र है, कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपकी रक्षक हैं। इसीलिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही हमारे आश्रय हैं, हमारे रक्षक हैं। हम श्री कृष्ण की रक्षा कवच में हर समय पर विराजमान रहते हैं। अब आप बताइए कि भगवान जो है वो जब इंद्र ने कोप किया और उस समय पर तो भगवान ने अवतार धारण कर रखा था और जितने ब्रजवासी थे सब भगवान को मालूम थे कि भगवान कहां पर है, तो दौड़ते हुए चले आए थे। आज यदि कोई मुसीबत आएगी तो हम भगवान के पास कैसे जाएंगे बताइए? आप भगवान के पास कैसे जाएंगे? मंदिर में जाएंगे भागते हुए? और मंदिर भी दूर होगा कभी, यह भी संभव हो सकता है। आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है तो भगवान के पास कैसे जाएंगे? हैं? स्मरण करेंगे। स्मरण करने का तरीका क्या है? प्रार्थना करने का तरीका है। और बताइए, एक बात आपको बताऊं, मैं कभी एक बार मिनियापोलिस में था मैं, तो मुझे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उसने पूछा मुझसे कि गायत्री मंत्र और हरिनाम महामंत्र में कौन बड़ा है। मुझसे पूछा हरिनाम महामंत्र में और गायत्री मंत्र में कौन बड़ा है, आप लोग क्या बताएंगे, उत्तर क्या देंगे? हरिनाम महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो हरिनाम महामंत्र है। और गायत्री मंत्र तो आप लोग मालूम ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपको कौन सा बड़ा लगता है मंत्र, हरिनाम महामंत्र बड़ा लगता है या गायत्री मंत्र बड़ा लगता है? दोनों बड़े। बिल्कुल सही बात है, यही मेरी समस्या थी। मेरी समस्या ये थी कि दोनों ही बड़े हैं और मैं किसको छोटा कह दूं? यदि मैं एक को छोटा कहता हूं और दूसरे को बड़ा कहता हूं तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी, ये अपराध हो जाएगा। तो मैंने फिर अपनी तरफ से जो जवाब दिया वो ये जवाब था कि एक माँ है, रसोई में खाना बना रही है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे की आयु 2 वर्ष की है और एक बच्चे की आयु 8 वर्ष की है, ठीक है, और वो खाना बना रही है, तब तक एक बंदर आ जाता है। तो अब बताइए दोनों बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होगी, बताइए दोनों बच्चे क्या क्या बोलेंगे? 2 वर्ष का बच्चा क्या बोलेगा और 8 वर्ष का बच्चा क्या बोलेगा? हैं? 2 वर्ष का बच्चा तो केवल ये चिल्लाएगा मम्मी मम्मी माँ 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 बोलेगा या रोने लगेगा और क्या करेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 8 वर्ष का बच्चा क्या बोलेगा? मम्मी बंदर आ गया, जल्दी बचाओ, जल्दी आओ, मम्मी आ जाओ जल्दी से, बंदर आ गया, ठीक है ना? तो मम्मी क्या करेगी बताइए? अब मम्मी का क्या काम होगा? दौड़ती हुई आएगी ना, आने के बाद फिर उसका फिर का काम क्या होगा उसका? किसको पहले उठाएगी? 2 वर्ष के बच्चे को उठाएगी ना पहले, और बड़े बच्चे से क्या कहेगी? पीछे पीछे चले आओ मेरे, यही तो कहेगी ना। या ऐसा कर सकती है कि वो 8 वर्ष के बच्चे को उठा लेगी और 2 वर्ष के बच्चे से कहेगी पीछे पीछे चले आओ मेरे, क्या करेगी बताइए?
तो दो वर्ष का बच्चा जो है वो माँ के अलावा उसके पास में कोई दूसरा शब्द नहीं है, उसके पास कोई वाक्य नहीं है बोलने के लिए, और आठ वर्ष के बच्चे के पास में वाक्य है बोलने के लिए। तो गायत्री मंत्र है आठ वर्ष के बच्चे का वाक्य, और हरिनाम महामंत्र है दो वर्ष के बच्चे का वाक्य। अब आप कौन से बनना चाहते हैं, आठ वर्ष वाला बनना चाहते हैं या दो वर्ष वाला बनना चाहते हैं? फायदा दो वर्ष वाले में ज्यादा है, आठ वर्ष वाले में ज्यादा नहीं है फायदा। आप कौन सा बनना चाहते हैं? दो वर्ष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कभी भी विपत्ति आए आपके जीवन में तो आप इसमें तो केवल नाम ही नाम है और कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम, इसमें भी ये मान लो चार वर्ष का बच्चा बोलेगा, लेकिन हरिनाम महामंत्र तो केवल नाम ही नाम है और कुछ है ही नहीं उसमें।